हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एस एस सी वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो तैयारी जो चल रहा होगा बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, किसी तरह का टेंशन नहीं ले रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों पता ही है, टेंशन लेने से ना कुछ हुआ है ना आगे होने वाला है। ठीक है, जितना कूल चिल्ड माइंड कर रह के तैयारी कीजिएगा कोई भी चीज़ को। ठीक है, जरूरी नहीं कि दबाव में आके हमको 12 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं 8 घंटा में सफिशियंट आपके लिए सही है, बहुत सारे बच्चे 6 घंटा ही पढ़ के अच्छा कर जाते हैं, तो कूल माइंड होकर पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है, फ्री माइंड कर, मतलब दबाव नहीं लेना है कोई चीज़ का। दबाव लीजिएगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, आप प्रेशर बनाइएगा, प्रेशर जैसे बनता चला जाएगा फिर आप रिजल्ट ख़राब करिएगा। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, बस आपकी ईमानदारी से दीजिए 6 घंटा चाहे 10 घंटा जो भी देना हो ईमानदारी से देना आपको, बाकी रिजल्ट ऊपर वाले का हाथ छोड़ दीजिए। ठीक है, गीता किताब में लिखा हुआ कर्म करें फल की चिंता ना करें, यदि कर्म अच्छा से किए होंगे तो आपको फल मिलना निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए खैर जो भी है, तो ज़्यादा लंबा बात हम नहीं करेंगे। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे सीजीएल का स्टूडेंट होंगे या फिर जैसे जेई का स्टूडेंट होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे हर दिन एक एक वीडियो आता है जेई का सीजीएल का, जरूर देखिएगा दोस्तों, एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है यहाँ से। ठीक है, चलिए तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, जैसे सीजीएल का जो फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन दोबारा मिला था 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, आज आप लोग कैलेंडर देख सकते हैं या फिर घड़ी देख सकते हैं आप लोग, 21 तारीख आज, लेकिन काफ़ी लोगों को फोन वगैरह आया कि लिंक ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, एडिट का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो शायद नहीं दे रहा होगा दोस्तों, हमने भी मोबाइल में खोल के देखा नहीं खुल रहा है, तो शायद नहीं आया हुआ, तो हड़बड़ाने का मतलब नहीं है, मतलब तुरंत हड़बड़ा जाते हैं आप लोग। आपको पता है कि जैसे करे वही का है, जो समय देता है उस पर काम करता नहीं है, सबको पहली बात आपको पता ही है, आज को नया बात नहीं है, ये पुराना बात है भाई, जो बोल दिया इतना तारीख को इतना तारीख को, वो चीज़ होना ही नहीं है भाई, वो अगले दिन शिफ्ट होना ही होना है, चाहे एक दिन शिफ्ट हो चाहे दो दिन शिफ्ट हो। ठीक है, हाँ, लेकिन ये बात भी भाई, मान लीजिए किसको नहीं खुला है, एडिट का ऑप्शन नहीं खुल रहा है, मान लो 22 को भी नहीं खुला, जिसका मतलब नहीं है कि 23 को खत्म नहीं, फिर आपको दो दिन बढ़ा दिया जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, खुल गया तो अच्छी बात है, नहीं खुला तो फिर बढ़ा देगा, टेंशन लेना नहीं है, वो जैसा सी का काम है। ठीक है, बस आपको दिमाग में भूल ना जाए, हो सके बहुत सारे बार एडिट करना भी हो, शायद दिमाग से निकल गया हो पढ़ाई चक्कर में कि अपना तैयारी चल रहा है, एडिट का फॉर्म ही सोचा कि एडिट जब आएगा देखा जाएगा उस कर लेंगे, तो जो भी गलती वगैरह होगा एडिट कर लीजिएगा दोस्तों, सभी के लिए ओपन किया जाएगा ऐसा। ठीक है, तो कर लीजिएगा, रिस्क क्यों लेना बाद में कि बाद में देखा जाएगा, जो नहीं फिर रिस्क क्यों लेना, जब भी दिया ऑप्शन कितना लगता है, 5-10 मिनट तो लगता है, खोलिए रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, एडिट करिए, तुरंत हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अच्छा से कर लीजिए, बाकी थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो देखिए रिजेक्शन आपको एडिट आपको जो फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, रिजेक्ट तभी होगा जब आपका फोटो डाले ही नहीं है, रिजेक्ट तभी होगा जब आप पैसा पेमेंट किए ही नहीं है, तभी होगा, यदि किसी तरह का ब्लर वगैरह कोई तरह की बात है फोटो सिग्नेचर में तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, फोटो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और मान लीजिए कुछ ज़्यादा ही ब्लर दिख गया तो आपको एक बार मौका देगा, आपको एक दो तीन दिन के लिए मौका देगा, तो उसके लिए चिंता नहीं करना, बस तैयारी करें। यदि आपका फॉर्म बहुत अच्छा है तो आप तैयारी में कुछ कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और यदि आपको लगता है कि फॉर्म एडिट करना है कुछ तो जरूर कर लीजिएगा, देखते रहिएगा लिंक कब ओपन होगा, तो शायद आज नहीं हो पाएगा तो कल सुबह तक हो जाएगा, क्योंकि पिछला बार तो ऐसे ही हुआ था, 11 तारीख को नहीं हुआ था, 12 तारीख था, 13-14 शायद, पता नहीं ऐसे कुछ था, तो अगले दिन सुबह लिंक ओपन हुआ था, मतलब फॉर्म एडिट करने का, तो हो सकता है कल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कर लीजिएगा जो दिक्कत होगा तो। ठीक है, चलिए तो फॉर्म एडिट कर लीजिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं होने वाला, और 21 से लेके 23 तक होने वाला है, 21-22 तक 3 दिन आपको मौका मिल रहा है, और ये लास्ट मौका है। ठीक है, यदि लिंक टाइम पे ओपन हो गया दोस्तों तो ये लास्ट मौका सोच लीजिए जेएससी का फॉर्म भरने का है, क्योंकि दोस्तों जेएससी ऑफिस से फोन मान ली कर कीजिएगा, करके देखिएगा। ठीक है, कि फॉर्म फिर से गलत हो गया, यही जवाब यही आता है कि आप लोग फॉर्म ही भरते रहिएगा, एग्जाम लेने दीजिएगा, सो बोलता है। ठीक है, आप लोग देखेंगे बात करके, ये बात बोल रहा है कि फॉर्म कब से भरना है बताइए, यही करते रहेंगे तो एग्जाम हम लोग कब लेंगे, ये बात वहाँ से बोलता है, तो आप लोग थोड़ा सा ईमानदारी से ठीक से भरिए ना, गलती क्यों हो जाता है बार बार, एडिट करने का मौका आता है फिर भी गलत हो जाता है, कितना सारे बच्चों का तो मेल की जगह फीमेल हो गया है, भाई कैसे फॉर्म भरते हो यार, थोड़ा सा देख लिया करो ना, क्या जल्दीबाजी किस बात की है, मेल फीमेल पता ही, ये सब चेंज कर लीजिएगा भाई, बाकी चेंज नहीं हो सकता, पिछला बार नहीं खुल रहा था शायद, जो मेल का फीमेल जो कर दिया था ना चेंज नहीं हो रहा था, खुल ही ना रहा था, तो उसका चिंता नहीं करना, वो ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं, काम खो जाएगा, टेंशन नहीं लेना उसके लिए। ठीक है, चलिए तो पढ़ाई जारी रखिए, और एडिट होगा तो कर लीजिएगा, बाकी जैसे सी जे वाले छात्र के लिए एडमिट कार्ड परसों 23 तारीख से आपका एडमिट कार्ड निकल रहा है। ठीक है, निकल जाना चाहिए, देखो डेट देख सकते हैं आप लोग, 21 तारीख है जेएससी का डेट जब तय नहीं हुआ, तैसे थोड़ी हम 23 को बोले, 23 को हो सकता है, हो सके 24 भी चला जाए सुबह, हो सके 22 कर दे, तो आप लोग समझ सकते, हालांकि 23 तारीख निर्धारित है इसका एडमिट कार्ड आने का जेएससी जेई का। ठीक है, एक दो दिन आप लोग रुक जाइए, 23-24 तक आप लोग एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके बाद देखते हैं किसका रिजल्ट एडमिट कार्ड सभी का आता है फिर, या जिसका पहले एग्जाम उसी का आता है, तो मेरे ख्याल से सभी का आना चाहिए था, सभी का मतलब एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए,
जैसे पहले होता है ना रेलवे वगैरह में कि जिसका एग्जाम होता था उसी का एडमिट कार्ड देता था, फिर अगला शिफ्ट जिसका एग्जाम था उसका एडमिट कार्ड देता था, ऐसा तो सिस्टम तो नहीं ऐसा जैसे ऐसा नहीं है। तो शायद सभी का एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, कल परसों नर्सों से। तो आप तैयारी रखे जा रही और तैयारी कीजिए बढ़िया से, पेपर वन पेपर टू और फार्मूला वाला जितना भी जेई वाला अपना कोर ब्रांच है, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल, फार्मूला वाला हो गया, स्टेटमेंट वाला हो गया, ये सब न्यूमेरिकल वगैरह ये सब देख के जाइएगा, पेपर टू में पूछेगा, ठीक है। पेपर वन में वन लाइनर पूछेगा, ज़्यादा उसमें लफड़ा नहीं लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन पूछेगा और थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं तो काम बन जाएगा आपका। उसमें ज़्यादा नहीं, बस 80 में से 80 क्वेश्चन नन टेक का, जनरल इंजीनियरिंग का, उसमें से आराम से 45-50 ले आइए और उधर से 40-16 में आराम से 20 ले आइए, का सफिशियंट नंबर हुआ आपके लिए, सिलेक्शन के लिए काफ़ी है वो, है ना। हो सकता है बहुत सारे बच्चे 40 में से 25 ले आएगा, 25-30 ले आएगा, क्योंकि नन टेक मतलब तैयारी अच्छे से किया हुआ, जनरल कंपटीशन की तैयारी किया, उसका नंबर तो आएगा आएगा, ठीक है, फिर जनरल में पीछे हो जाएगा, फिर वो समझ रहे ना। तो कोई बात ना, आप 2 दिन रुकिए, एडमिट कार्ड आ जाएगा और उसके बाद JSSCGL एकदम लगा दीजिए जोर, इस बार आर ना पार कर देना, बस आपके पास समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। अभी कितना तारीख है जो आपके तरह 21 तारीख हो गया, 9 दिन दर हो गया, पूरा पूरा 30 दिन, 39 दिन, मतलब थोड़ा 45 दिन बचा हुआ दोस्तों, ठीक है। 45 दिन में आपका मतलब क्या बोले, टेंशन लेकर पड़िएगा तो आपका हालत बड़ी ख़राब हो जाएगा, इसलिए खुशी मन से और हंस खुश के पढ़िए, थोड़ा लगे कि हाँ कुछ तैयारी चल रहा है, ठीक है। और ज़्यादा फोन से सोशल मीडिया से दूर रहिए, अभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1-2 मिनट, 1 महीना का तो बात है भाई, 1 महीना दूर रहेंगे सोशल मीडिया से कौन सा दुनिया पलट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग रह सकते हैं 1 महीना, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए, तो आखिरी मौका मिल रहा है दोस्तों आप लोग का एग्जाम से पहले, तो करना को तो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।